तो यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास एक और प्रश्न है शेषफल प्रमेय पे आधारित, ढेर सारा प्रश्न हमने किया है, और अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तुम्हारा अगर बाद में भी सोल्व करोगे, क्वेश्चन नोट कर सकते हो और सोल्व करके देख लो, हो जाएगा, ठीक है। बट अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, अटक रहे हो अभी भी, तो फिर इस प्रश्न को देखना तो बनता है। प्रश्न क्या है देखो, यहाँ से दो बहुपद है हमारे पास, ए एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 13। दूसरा बहुपद है 2x³ माइनस 5x प्लस 8। इस दोनों ही बहुपद में हम x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं, और भाग देने के बाद हो ये रहा है कि शेषफल हमारा बराबर आ रहा है। तो बोला जा रहा है कि इस स्थिति के लिए जो है ना, इस स्थिति के लिए ए का मान हमको निकालना है। ए कहाँ पर है, ए देखो दोनों ही बहुपद में, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ए का मान क्या होगा। आओ जरा देखते हैं प्रश्न कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास दो बहुपद है ना, माना कि p ऑफ x बराबर ए एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 13 तथा q ऑफ x बराबर 2x³ माइनस 5x और प्लस a, ठीक है जी। अब इस दोनों बहुपद में हम किससे भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, ये x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं, तो p ऑफ x और q ऑफ x में x माइनस 2 से भाग देने पर समान शेष आता है, समान शेष आता है, ठीक है। ये बात तो प्रश्न में ही दिया है कि दोनों में अगर p ऑफ x और q ऑफ x को x माइनस 2 से भाग देंगे तो समान शेष आएगा। अब शेषफल हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि p ऑफ x में x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब हम करेंगे सिंपली x माइनस 2 और इसका शून्य निकालेंगे, ये निकलेगा हमारा x बराबर 2। तो पहले बहुपद में हम 2 रखेंगे और दूसरे बहुपद में भी 2 रखेंगे, तो ये पहले बहुपद में जब 2 रखेंगे ना x के जगह पर, तो हमारा पहले बहुपद का शेष निकलेगा, और दूसरे बहुपद में जब 2 रखेंगे तो वो दूसरे बहुपद का यहाँ पर शेष निकलेगा। और प्रश्न में ये भी बोला जा रहा है कि दोनों बहुपद का शेष बराबर है, तो अगर सबको हम समेट ले एक ही बार में, तो प्रश्नानुसार और शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय से ये हो जाएगा तुम्हारा p ऑफ 2 बराबर q ऑफ 2, यही तो प्रश्न में कहा जा रहा है। p ऑफ 2 रखेंगे तो पहले बहुपद का शेष निकलेगा, क्योंकि x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं, और q ऑफ 2 नहीं रखेंगे तो दूसरे बहुपद का शेष निकलेगा, क्योंकि यहां पर हम उसमें भी x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं, और दोनों ही स्थिति में जो शेष है वो बराबर है, इसका मतलब p ऑफ 2 बराबर q ऑफ 2। और p ऑफ बहुपद जो था हमारे पास क्या था, ए एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 13, और दूसरा वाला बहुपद है 2x³ माइनस 5x और प्लस का a, ठीक है। अब अगर यहां पर हम रखे p ऑफ 2, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, a इंटू 2 to the power 3 प्लस 3 इंटू 2 to the power 2 माइनस 13 बराबर में 2 into 2 to the power 3 माइनस 5 into 2 और प्लस में a, चीजें समझो। 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, ये होगा 8 है, ये होगा दुना 4 तिया 12 माइनस का 13 बराबर में दुना 4 दुना 8 दुनी 16 माइनस 10 और प्लस में a। अब देखना जरा यहां से, ये हो जाएगा 8a और 12 में से 13 घटा देंगे कितना होगा, माइनस का 1 बराबर 16 में से अगर 10 घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इतना 6 plus a। गौर से देखना 8a, ये को इधर ले आएंगे, ये प्लस में इधर आने के बाद माइनस होगा, 8a माइनस का a बराबर में 6 plus, इसको इधर लेके जाएंगे 6 और माइनस में इधर जाके प्लस में होगा प्लस 1, ये होगा 7a बराबर 7, a का मान यहां से निकलेगा 7/7 बराबर में, ये तुम्हारा सॉल्यूशन यहां से निकल के आ जाता है। तो क्लियर है बात, ठीक है। देख एक प्रश्न और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले, आओ जरा प्रश्न क्या है देखिए।